दिवंगत बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की वाइफ सुतापा सिकदर ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते उनके एक रिश्तेदार की दिल्ली के हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने की वजह से डेथ हो गई, जिसके बाद सुतापा ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इस बारे में लोगों से शेयर किया और साथ ही उन्होंने लिखा कि बेड ना मिलने की वजह से उनके रिश्तेदार को इस दुनिया से जाना पड़ा और उनके रिश्तेदार शायद थोड़ी देर उनके साथ रह सकते थे। सुतापा ने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा है, मैंने एक दिन पहले अपने रिश्तेदार समीर बनर्जी की मदद के लिए सोशल मीडिया पोस्ट किया था। आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गया है। हम दिल्ली में घर पर एक आईसीयू नहीं लगवा सके और हमें अस्पताल में बेड भी नहीं मिल पाया था। अपने इस पोस्ट में सुतापा ने कोविड वॉरियर्स को भी सलाम करते हुए लिखा, उन सभी कोविड वॉरियर्स को मेरा सलाम और धन्यवाद जिन्होंने मेरी मदद की। मैं कभी आप लोगों को नहीं भूलूंगी। जब तक जिंदा हूं तब तक आप सभी के साथ मेरा आशीर्वाद है। मैं समीर की मुस्कान भी कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन वहीं इसके बाद आगे अपने पोस्ट में सुतापा ने तीखा तंज कसते हुए लिखा, मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी कि मुझे उनके लिए आईसीयू में बेड नहीं मिला, क्योंकि वो छोटा राजा नहीं थे, वो एक सच्चे व ईमानदार शख्स थे। मैं दिल्ली की इस तबाही को नहीं भूलूंगी। आपको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि बनर्जी, शेख, दास, अडजानिया सभी को चले जाना है, लेकिन वो हम सब के साथ थोड़ी देर और रह सकते अगर हिंदू मुस्लिम त्योहारों से ज्यादा अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट पर ज्यादा ध्यान लगाते। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना के कहर के चलते हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और हॉस्पिटल बेड्स को लेकर लोगों को अपनों को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लिहाजा अब आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज को भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।